नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, अगर आप जीके जीएस को लेकर परेशान हैं, अगर आपको जीके जीएस में परेशानी होती है, आप करंट अफेयर को ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके इस परेशानी को दूर करने के लिए इजी वे कोचिंग और ऑप्टिस क्लास दोनों मिलकर मासिक करंट अफेयर बूस्टर लॉन्च किया है। यह मासिक करंट अफेयर बूस्टर आपको पढ़ाई में बहुत सहूलियत देगा। सहूलियत कैसे देगा? क्योंकि ये मासिक करंट अफेयर जो बूस्टर है, ये जो मासिक करंट अफेयर बूस्टर है, इसमें प्रत्येक महीने आपको एक मैगजीन दिया जाएगा, जिसमें उस महीने के महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम होंगे, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे, उसका अपडेट वन लाइनर के रूप में आपको मिलेगा। इससे फायदा क्या होगा कि जो विभिन्न एग्जाम होते हैं, उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका प्रिडिक्शन आपको पहले से ही मालूम रहेगा और उसके लिए आपको बेहतर तैयारी हो जाएगी। अलग से आपको परेशान होने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए समझेंगे कि इस मासिक करंट अफेयर बूस्टर का प्राइस क्या है और इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। साथ ही साथ हम इस वीडियो में आपको उस मासिक करंट अफेयर बूस्टर का एक छोटा सा क्लिप भी दिखाएंगे, उसमें क्या क्या कंटेंट है वो सारी चीजें आपको इसमें हम दिखाने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले ये जो थंबनेल है मासिक करंट अफेयर बूस्टर का, तो आप समझिए यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम दिया गया है जो इस बूस्टर का अंदर आपको मिलेगा। सबसे पहले नंबर पर महत्वपूर्ण हस्तियां, इस महीने के जो महत्वपूर्ण हस्तियां जो चर्चा में रही हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगा आपको। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समाचार का ऑल नाइनर न्यूज मिल जाएगा आपको, जो पढ़ के आप बहुत सारा अपडेट ले सकते हैं। बैंकिंग एवं अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलेगा आपको। पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में मिलेगा कि इस महीने कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, किस किस को सम्मानित किया गया, ये सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगा। खेल कूद के बारे में जानकारी मिलेगा कि पार्टिकुलर जिस मंथ का आप बूस्टर लेंगे, उस मंथ में आपको जो खेल कूद हुए हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसका भी आपको यहाँ पर जिक्र मिलेगा। इस जो मासिक करंट अफेयर बूस्टर, इसका एक साल का जो प्राइस है 31 रुपीज है एक साल के लिए। एक साल के लिए 31 रुपीज, मतलब एक साल के अंदर में आपको 12 करंट अफेयर बूस्टर मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि महीने का 3 रुपया भी आपको नहीं पड़ रहा है। 3 रुपया से कम पैसे लगाकर, महीने का 3 रुपया से कम पैसे लगाकर इस मासिक करंट अफेयर बूस्टर को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस मासिक करंट अफेयर बूस्टर में और क्या क्या चीजें दी गई है, एक बार उसका हम लोग दर्शन कर लेते हैं। अब आपके सामने मासिक करंट अफेयर जो बूस्टर है उसका कवर पेज आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ऑप्टिस क्लास और इजी वे कोचिंग के जो फैकल्टी हैं, दोनों लोगों ने मिलकर इस करंट अफेयर बूस्टर को तैयार किया है। और ये जो करंट अफेयर बूस्टर है ये मई 2024 का है, ठीक है ना, और जून 2024 का भी करंट अफेयर बूस्टर आ चुका है, वो हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ठीक है, हम आगे बढ़े तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मासिक करंट अफेयर बूस्टर लिखा हुआ है और यहां पे सारे जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा की गई है, इंफॉर्मेशन दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो दूसरे पेज पर हम आएंगे तो यहां पे कॉपीराइट के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, और कॉपीराइट के बाद हम आगे बढ़े तो यहां पे एक डायरेक्टर मैसेज है जो छात्रों को इसमें बताया गया कि इसको पढ़ने से आपको क्या क्या फायदे होंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे वो सारा विषय सूची दिया गया है जो इसमें कवर किया गया है। शुरू से हम बात करें तो महत्वपूर्ण हस्तियों के बारे में दिया गया है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समाचार दिया गया है, बैंकिंग एवं अर्थव्यवस्था के बारे में बात की गई है, पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में बात किया गया, खेलकूद, विज्ञान प्रौद्योगिकी और विभिन्न घटनाओं के बारे में जिक्र किया गया है, जैसा कि आपको हम इसके कवर पेज पे बताए थे। अब हम आगे बढ़े तो क्विक बाइट्स भी है, लेटेस्ट रिकैप भी है, इजराइल, आयरन डोम और यूरो के बारे में बताया गया है। और इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो यहां से शुरू होता है, सबसे जो पहला टॉपिक था महत्वपूर्ण हस्तियां, महत्वपूर्ण हस्तियों के बारे में यहां पे स्टार्ट कर दिया गया है। देखिए यहां पे लिखा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के राज ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया है, तो ये भारत के शरत कमल है जिनको पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया। इनका नाम क्या है? शरत कमल।
उसी तरह से दूसरे नंबर पे हम बात करें तो जलंधर के नए उपायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जलंधर के नए उपायुक्त के रूप में हिमांशु अग्रवाल को नियुक्ति दी गई है, ठीक है। उसी तरह से आगे हम बढ़े तो फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है अश्वनी कुमार। म्यांमार और भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है, तो है अभय ठाकुर, ठीक है। इसी तरह से हम इधर बढ़े तो आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो साइमन हैरिस को आयरलैंड के नए युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति की गई है, ठीक है। उसी तरह से हम आगे बढ़े तो हाल ही में लोकपाल न्यायिक सदस्य के रूप में किसे शपथ ली है, तो ऋतु राज अवस्थी। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज और सर्फेस दोनों का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है, तो पवन दाउलरी है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो महत्वपूर्ण हस्तियों का जिस तरह से चर्चा में रहे हैं इस महीने, उनके बारे में यहां पे जानकारी दिया गया और ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से, ठीक है। उसी तरह से हम आगे बढ़े तो आपको देख सकते हैं यहां पे एक महीने के अंदर में जितने भी चीजें हुई है महत्वपूर्ण हस्तियों के रिलेटेड, जो भी घटनाएं हुई है उनका यहां पर अपडेट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगला पेज पर बढ़ते हैं तो यहां पर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समाचार यहां पर दिया गया है, क्या दिया गया, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समाचार। अब इसे एक नजर यहां भी डालते हैं हम लोग, तो पहला नंबर पे नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है, तो यह है नागालैंड में। नागालैंड में नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 का तीसरा संस्करण शुरू किया गया है। उसी तरह से हम बात करें आगे कि हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है, हैती विद्रोहियों के द्वारा जो भारतीय जो नागरिकों को पकड़ लिया गया था उसको बचाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया, तो ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है। सीने विस्टार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो चंडीगढ़ में किया जाएगा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में कल्याण चालुक्य वंश का 900 वर्ष पुराना कर्ण शिलालेख मिला है, तेलंगाना में। इधर बात करें तो अप्रैल 2024 में शिकायत निवारण प्रणाली का उन्नत संस्करण किसने लॉन्च किया, तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने। तो तमाम चीजें यहां पे है जिसके बारे में जानकारी हासिल करेगा और एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफी जरूरी है कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समाचार आपको ध्यान में रहे और ये लगातार हर एग्जाम में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समाचार से प्रश्नों को देखने को मिलता है। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़े तो फिर हमें मिलता है नेक्स्ट जो विषय सूची है उसके बारे में यहां पे मिलेगा बैंकिंग एवं अर्थव्यवस्था। बैंकिंग एवं अर्थव्यवस्था, जैसे इस महीने घटना घटी हुई थी कि पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ का नाम बताया जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है ना, पेटीएम पे क्या किया था कि आरबीआई ने बैन लगा दिया कि आप एज ए बैंक काम नहीं करेंगे, आपने बहुत सारे आरबीआई के नियमों का उल्लंघन किया इसीलिए इसको बैंकिंग का जो स्टेटस था उससे हटा दिया गया था। तो उसके जो सीईओ थे, एमडी और सीईओ थे सुरिंदर चौला, जिन्होंने इस महीने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। इसी तरह से हम आगे बढ़े तो डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी के लिए आरबीआई ने किस कंपनी के साथ सहयोग किया है, तो गूगल के साथ सहयोग किया है। इस बैंकिंग से रिलेटेड यहां पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ऑनलाइनर के रूप में और ये बैंकिंग से रिलेटेड भी प्रश्न आपको बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। इसी तरह से हम आगे बढ़े तो फिर आ जाएगा हमारे सामने पुरस्कार एवं सम्मान, ठीक है ना, पुरस्कार एवं सम्मान। यहां पर देखिएगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, तो भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। प्रथम वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयज, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय राजनेता को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। यहां पे है कि फरवरी 2024 में इंडिया सुपर लीग प्लेयर ऑफ मंथ का पुरस्कार किसने जीता है, तो मर्डी तलाल, ठीक है। उसी तरह से अप्रैल 2024 में अमेरिका सर्जिकल एसोसिएशन द्वारा किसे मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया, डॉक्टर रघुराम, ठीक है। तो ये सारे पुरस्कार एवं सम्मान है जिसे दिया गया है इस महीने, उनके बारे में डिटेल्स जानकारी दिया गया है। और मेरे ख्याल से अगर आप हर महीने इस मैगजीन को पढ़ते हैं तो आपके जो करंट अफेयर होंगे ना काफी ज्यादा तेजी से इंप्रूव होगा और एक भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो मुझे उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे और 31 रुपया साल का कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है, आप आसानी से उस 31 रुपया देकर
इस मैगजीन को ऑनलाइन के माध्यम से हमारे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इजी वे ग्लोबल ऐप या ऑप्टिक्स क्लास दोनों पर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।